शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव को रोकने के उद्देश्य से अम्भी दिग्रस कर दिग्रस व्यापारी संगठन और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की संयुक्त पहल तथा शहर के नागरिकों की स्वेच्छा से दिग्रस बंद का ऐलान किया गया। अब 7 दिन से घटाकर यह ऐलान 4 दिन कर दिया गया है। वही शहर के छोटे व्यापारी तथा नागरिकों ने नाराजगी जाहिर की है। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है, ऐसे में इस कहर से बचने के लिए फिलहाल केवल फिजिकल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद का बचाव करना कारगर उपाय है। यही वजह है कि दिग्रस शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक दिग्रस बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक लगाने के लिए शुरू की गई इस सराहनीय पहल को कुछ हद तक ब्रेक लग गया है। हुआ यूं कि स्थानीय अम्मी दिग्रस कर संगठन, दिग्रस व्यापारी एसोसिएशन और दिग्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त पहल से स्वास्थ्य के मद्देनजर 7 दिन के लिए दिग्रस बंद की घोषणा की गई थी। ऐसे में बंद के पहले ही दिन ग्राहक और कुछ व्यापारी बंधुओं के सुझाव पर गौर करते हुए 7 दिन के बंद की मियाद को घटाकर अब 4 दिन की बंद की घोषणा की गई है। इस बंद को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। छोटे व्यापारियों सहित नाभिक समाज संगठन को विश्वास में नहीं लिए जाने के कारण वे लोग नाराज है। इस विषय में नाभिक समाज संगठन के एक सदस्य ने इनबीसीएन को बताया कि बीते 3 माह से हाथ में काम नहीं है। ऐसे में 28 जून को कई कड़ी शर्तें लादकर सरकार ने सैलून और पार्लर की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जो कि अनुचित है, और ऐसे में ही दिग्रस बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसका हम समर्थन नहीं करते। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट ने जो चालू करने की परमिशन दी, उसमें सिर्फ कटिंग करने की परमिशन दी, यानी ऐसा है तुम रोटी के साथ खाओ, सब्जी मत खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नियम शर्त अटी इतना है उसमें कि तुम आप पूरा मेंटेनेंस ग्राहक का मेंटेनेंस, सिर्फ कटिंग करना, डिस्पोजेबल, बाकी के ऐसा जो आम जनता है, सर्वसामान्य, हमारे जो कुटुंब है, गरीब परिवार से आते हैं, ये पूरी अपन व्यवस्था नहीं कर सकते। हमारी जो सरकार की तरफ से ये थी गुजारिश थी कि हमारे को संरक्षक बीमा और ऐसा कुछ सुविधा, ट्रेनिंग, ऐसा कुछ दिया जाए, लेकिन सरकार इसके तरफ कोई ख्याल नहीं दे रही। पिछले 3 महीने से हमारे दुकान बंद है, उसके बाद ये दिग्रस वालों ने जो है सर्वपक्षीय संगठना है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने जो बंद पुकारे, उन्होंने कभी हमारे सैलून वालों का विषय कभी उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स में डाले नहीं। आज हमारे कभी गवर्नमेंट अगर ये शुरू करना चाहती है तो दिग्रस जो दिग्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले है और व्यापारी एसोसिएशन वाले लिए इन्होंने 7 दिन का जनता कर्फ्यू डाल के हम पे अन्याय करा। हालांकि दिग्रस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामदास बंगीनवार ने साफ किया कि नाभिक समाज के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, लेकिन चेंबर ऑफ व्यापारी संगठन ने मिलकर 27 जून को बंद का फैसला लिया और 28 जून को नाभिक समाज के लिए राज्य सरकार ने सैलून पार्लर शुरू करने की इजाजत दी है। या संघटने मध्ये त्यावेळेस नाभिक समाजाचा म्हणजे त्यांना परमिशन नव्हतीच आणि ही परमिशन 28 तारखेला आली। आमचा निर्णय हा 27 झाला, त्यामुळे नाभिक समाजाचा आम्ही त्यावेळेस विचार केला नव्हता, परंतु आमचं आव्हान असं आहे की या बंदमध्ये नाभिकनी सुद्धा आम्हाला साथ द्यावी। किती दिवस त्यांचे 3 महिने बंद होता, बाकी लोकांना तरी म्हणजे कदात मधात सवलत मिळाली ही होती, आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांनी शासनाचे आदेश पाळले आणि आता चेंबरचा अध्यक्ष या नात्याने नाभिक समाजाच्या बद्दल सहानुभूती आमची आहेच, परंतु आमची त्यांना अशी विनंती आहे की आज सोमवार आहे, आजचा दिवस गेला, 3 दिवस पाळायचा आहे आपल्या बंद सगळ्या व्यापाऱ्यांना। एकंदरीत बंद सगळ्यांनी पाळलेला आहे, तुरळक काही लोकांनी पाळला नाही, ते सुद्धा आम्हाला सहकार्य करतील। नाभिक समाजाने 3 दिवस आपली शांतता ठेवावी आणि आपली जी सलून आहे आणि शासनाने जे नियम घालून दिले त्या नियमानुसार सॅनिटायझेशन आणि 1 बाय 1 कस्टमर जे काय असेल ते नाभिक समाजाने पालन करून त्यांचे पूर्वत त्यांचे सलून शुक्रवारी त्यांनी चालू करावे। इस बंद के संबंध में शहर के कई व्यापारी अपनी अलग अलग राय पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक बड़े दुकानदारों ने अनलॉक 1 में कमाई कर ली है, लेकिन छोटे व्यापारियों की मुश्किल जस की तस है। हाँ, इसलिए हम पहले 3 महीने से परेशान है कि बड़े लोगों ने और इसको 7 दिन का बंद बोला है, इसका हम ये करते हैं, हमको बस इससे तकलीफ है, समझ लो धंधे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान बंद थे 3 महीने से और 7 दिन बंद रखो बोल रहे। बड़े दुकान वाले इनके पहले दुकान शुरू थे, इनकी कमाई शुरू। जो चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संगठन है, इन्होंने
छोटे दुकानदारों को अपने विश्वास में नहीं लिया, कुछ बताया नहीं और अपने मन से ही इन्होंने मीटिंग लेके बंद का ऐलान कर दिया। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि छोटे दुकानदारों का उन्होंने थोड़ा सोचना था या बुला के उनको पूछताछ करना था, उनकी कुछ राय लिए बगैर ही इन्होंने अपने मन से बंद का ऐलान कर दिया। इसीलिए मैं उनके साथ में नहीं हूँ। हालांकि 7 दिन का नहीं, मैं 10 दिन का भी बंद रखने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने छोटे दुकानदारों का कुछ विश्वास में न लेके जो बंद किया है उसको मेरा विरोध है। दिग्रस बंद के पहले दिन ही जहां बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बंद को सहयोग किया, वहीं 7 दिन बंद को लेके कईयों ने असहमति भी जताते हुए अपनी दुकानें खुली रखी। वहीं बंद को जनता और व्यापारियों का बेहद उम्दा प्रतिसाद मिला। फिर भी ग्राहकों की नाराजगी को देखते हुए अब 4 दिन दिग्रस बंद का पालन किया जाएगा, ऐसी जानकारी चेंबर अध्यक्ष ने दी है। एक हफ्ते का जो कालावधि है आप खूब हो तो अशा काही प्रतिक्रिया ग्राहक वर्गातून कंज्युमर वर्गातून आल्यामुळे आणि व्यापाऱ्यांची सतत कोंडमारे होत असल्यामुळे 7 दिवस हा कालावधी हा जास्त होतो, अशा काही प्रतिक्रिया आल्यानंतर आता फेरविचार करण्यासाठी आज सकाळी 12 वाजता विश्राम भवन इथे व्यापारी वर्गाची पुन्हा परत सभा घेण्यात आली आणि त्यामुळे ठराविक बंदचा जो कालावधी आहे हा सोमवार दिनांक 29 ते 2 जुलैपर्यंत एवढाच ठेवण्यात आला आणि सर्व बाजारपेठ ही 3 रोज शुक्रवार 3 जुलैपासून पूर्ववत सुरू राहील आणि बंद एकदम उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे, कारण हा बंद राजकीय नसून एक सामाजिक जाणीवच्या भावनेतून घेण्यात आला आणि स्वयंस्फूर्तीने व्यापाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय असल्यामुळे या बंदला अत्यंत चांगला असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। किरकोळ एक काही लोकांनी जसं गळले ते सुद्धा आता आमच्याशी सहमत फोनवरून आम्हाला त्यांनी कळवलं की बाबा आम्ही तुमच्यासोबत आहो, त्यामुळे हा बंद 100% यशस्वी होणार। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्रस बंद को अच्छा प्रतिसाद जरूर मिला है, लेकिन इसे 100% बंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बंद के पहले ही दिन बंद को लेकर विभिन्न संगठनों और छोटे व्यापारियों में तालमेल की कमी साफ तौर पर सामने आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी गुरुवार तक दिग्रस बंद का वोट किस करवट बैठता है। दिग्रस से NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।